नमस्कार मित्रों, कार्बन भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। और आज हमारे वेट लॉस चैलेंज का डे टू है। सो सुबह सुबह हो चुकी है, हमने एक्सरसाइज वगैरह छोटी मोटी जो कर सकते थे यार छोटी मोटी करी अभी तो, और डाइट वाइट पे आज तक मतलब कल के पूरे दिन में तो कोई कंट्रोल रहा नहीं। हमने मस्त रात को खाया उत्तपम, मैडम ने बना बना के खिलाया अपने प्यारे प्यारे हाथों से। ये कोई वेट वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो भी अपने मन की तसल्ली के लिए हम तोलने जा रहे हैं अपना वेट। सबसे पहले जाएगी अवनी, हल्की हो गई 36.5 बढ़ गया। कल तक कितना था? 35.4 था। यहाँ पे देख लो एक बार, 35.2 गलत बताया था मशीन ने। हटो, अब पापा की बारी। उठा लिया क्या? हल्की हो गई। टन टन 114.9। बधाई हो। ये एक्चुअली क्या हुआ है, कल जब हमने वेट लिया था तो हमारा वेट था जूते इत्यादि सबके सहित, तो 1 किलो के तो जूते ही हो गए। 116.9 था कल, तो मतलब 117 था, 115, 2 किलो कम। 2 किलो में से 1 किलो जूते हटा दीजिए, 1 किलो कम किया हमने। आइए मैडम आइए। मेरा तो कोई दोस्तों दिल थाम के बैठिए। देखा 600 ग्राम का मूल कितना, 900 ग्राम कम हुआ। शाबाश, हम तरक्की पे हैं। अब भैया ये देखो। हाँ तो ये 100-200 ग्राम ऊपर नीचे बताता है वो। 68.7। वाह, इसका कोई भरोसा नहीं है, मैं सबसे तो बोल रही हूँ। इसका सब भरोसा। तो जी कल गांव से देके गए थे एकदम ताजा गाढ़ा दही। देखिए ये देखिए क्या दही है यार, चक्केदार। देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो ये सबका अलग अलग बढ़ गया, ये है मैडम का, ये है अवनी का, और ये मेरा और सात्विक का। और हम पीने वाले हैं मीठी लस्सी। टन टन नहीं, कोई बात नहीं, तुम नमकीन पीना। ये हम डाल रहे हैं इसमें खांड, कम डालना थोड़ी। आपने बोला मैं नमकीन, अब लस्सी देख के मन मचल गया। आपने बोला तो मैं नमकीन बना, मीठी लस्सी मना के मन मचल गया। मसल बहुत बढ़िया, मसल गया मेरा मन। इतना टेस्टी है, देखो मक्खन लग रहा है, क्योंकि मैंने तो मैं निकाला वो, अब मलाई खा गई। मलाई नहीं है मोटे हाथ तुम कंट्रोल में रखा करो। वो कहा इसका ब्लेंडर स्प्राइट ढूंढते। मम्मा मुझे भी मालूम है वैसे तो। ही। मैं भी पीऊंगी मेरी भी। तो इसमें डालो फिर अपना वो दही लस्सा। मम्मी का छोड़ देना। वाह, ये मम्मा ने भी अपना शेर इसी में डाल दिया। शेर दादी के लिए छोड़ दीजिएगा, दादी और मेरे लिए। मीठी नहीं पीते। इसमें और शक्कर डल ली और शक्कर, और हम हैं फिलहाल सल्ली। इसमें शक्कर डल ली, पापा मम्मा की हो गई अभी सल्ली। पापा मम्मा की कट्टी हुई नहीं थी, सल्ली ही थी। मेरी तो कट्टी हो गई ना, अवनी और मम्मा की हो गई सल्ली। जिस जिसको लस्सी पीनी है अपना अपना बर्तन ले आओ भाई। तो जी हम ले रहे हैं सुबह शानदार गाढ़ी लस्सी का आनंद। और टेस्ट वाइज आपको बताऊं ना, शहरों में जो टोन्ड मिल्क से जो दही बनता है उससे जो लस्सी बनती है, और ये गांव और पहाड़ों में क्या होता है, जो इनकी गाय हैं, इनके जो पशु हैं, वो सिंपली मैदान में चले जाते हैं, चारा चरते हैं और फिर वापस आते हैं, और मतलब कोई बहुत ज्यादा ये सप्लीमेंट्री डाइट उनको देते नहीं है। सो
इस दूध का जो टेस्ट होता है, इससे बनने वाले दही का टेस्ट होता है, और उस दही से बनने वाली लस्सी का जो टेस्ट है वो वाकई लाजवाब। तो चलिए जी, आ गई है नाश्ते की बारी, और कल का ये उत्तपम का घोल अभी तो बचा है हमारे पास, और ये और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा और खट्टा हो जाता है, इसलिए और बढ़िया स्वादिष्ट हो जाएगा। और फिलहाल बन रहे हैं गर्मा गर्म उत्तपम। और इधर डल रहा है जी आज हमारी कैंपर वैन में मिर्च का चार, और मिर्च को ना देखते ही वैसे इतनी लजीज लग रही है। इसमें डलने वाला है नींबू, और आप भी सोचेंगे कि हम क्या क्या कर लेते हैं, तो वो सब कुछ करने का प्रयास करते हैं जो हम घर में करते हैं, क्योंकि इतना लंबा रुकना वैन में, मुझे लगता है दैनिक जीवन की सभी चीज़ें हमें पूर्ण करनी ही होती हैं। तो चलिए डालते हैं आज मिर्च का चार। आओ जी, ये देखो हमारा मिर्ची का चार डल रहा है। ये है खीरे खाओ आप, आपके ये रहे। तो बहन जी क्या क्या, क्या लेकर आई हैं? बहन जी क्या लाई हैं? भुट्टे जो हम रोज खा रहे हैं। रोज खा रहे हैं, वाह, भुट्टे और अखरोट। तो जी चाय हमारी रेडी है, सात्विक जी रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं। चाय इतनी गर्म है कि कैसे बताऊं? ओह सो सॉरी। और आज तो जी भोजन का क्रम खत्म ही नहीं हो रहा, देखिए जी क्या बन रहा है। इतना अच्छा मौसम और बैठने की जगह भी बहुत अच्छी है। यहाँ से ठंडी हवा आ रही है, गरम गरम भुट्टे बन रहे हैं। क्या बात है, बन रहे हैं पर मुझे नहीं दिए जा रहे, तुम्हारा बन भी चुका है। इतने स्वादिष्ट भुट्टे हैं, यहीं के खेतों के हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो जी शाम हो चुकी है और सबके साथ मिलके हम जा रहे हैं गांव के भ्रमण पे। तो जी अभी हम यहाँ गांव में पहुँच चुके हैं, और बहुत दिनों बाद मुझे वो सौंधी सौंधी जो रोटी की खुशबू आती है ना, वो यहाँ से आ रही है। घर में से ना ये जो अभी रोटी की खुशबू आ रही है ना, ये हमारे शहरों में आती ही नहीं है। हाँ, ये अभी मैं नीचे आ रहा था ना, तो बहुत ही, हाँ बहुत ही अच्छी खुशबू आई। ये अपने वहाँ तो काशीफल बोलते हैं, अधिकतर नाम इसका कॉमन तो काशीफल है। हिमाचल में इसे उढ़ोई ना, अभी उढ़ोई बोलते हैं, और लद्दाख में कुछ और बोलते थे, ध्यान नहीं है। वो नहीं 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 लद्दाख में ध्यान नहीं, क्या बोलते थे बोले। तो ये देखिए जी, ये नया घर उनका बन रहा है, पर किचन यहाँ पर अलग होती है, जो हमारे सामान्य घरों में नहीं होती है, साथ में कनेक्टेड होती है। इतनी बड़ी किचन है ये, प्रॉपर पूरी किचन है सर, वाह। और इधर फिर ये अपने रहने का जो भी स्थान है वो बना रहे हैं। ऊपर तो आप देख ही रहे हैं, पूरा खेत जैसा है, सामने वॉशरूम्स हैं, और नीचे है बहुत ही सुंदर वैली। ये हिमाचल नथका क्या बोलते हैं, ये भाभी जी की फोटोग्राफ है, ये इनकी है, ये देख, और ये उनकी है ना, आपकी है ना। बढ़िया लग रहा है, है नहीं नहीं हमारे लिए नहीं है, हम तो राजस्थान से आए हैं, बहुत गर्मी रहती है वहाँ। ये जो नीचे बनाया हुआ है ये किस चीज का है? लड़की लकड़ी होती है ना, ये वाली लकड़ी है ना, लकड़ी है ना नीचे, और ये वाली मिट्टी के ना ऊपर डाली हुई है। ये और होता है सीमेंट, होता है सीमेंट, हाँ फिर उसके बाद ये सीमेंट करते, अभी भी देखो ये लीपते भी हैं इसको। अच्छा, इसको लीपते भी हैं। हाँ, लकड़ी लकड़ी के ऊपर सीमेंट, और सीमेंट के बाद लीपा हुआ है। और ये मिट्टी पता है कौन सी है? ये वही है जहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है ना, उसके नीचे वाली, कितनी सुंदर मिट्टी है। अच्छा, और इसको किया है, एक पहले पुट्टी दी है, जैसे अपन पेंट करते हैं ना, पुट्टी के ऊपर लीपा हुआ है। नीलू पाजी और गुगली, गुगली, हाँ
गुगली छोटी वाली। और अभी हम जिन पगडंडियों से होते हुए जा रहे हैं दोस्तों, जरा सोचिए कि यहाँ तक बाइक वाइक आना तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, और सबके जो घर हैं वो यहाँ पर नीचे ही है। सो वो अपनी जो भी गाड़ियाँ हैं, जो भी साधन है, उनको ऊपर पार्क करते हैं और फिर वो नीचे इस रास्ते से होते हुए अपने अपने घरों में जाते हैं। ये पापा के साथ होगी। बोल रहे खाना खा के जाओ। अरे क्या किचन देखो, ये भी अलग ही है बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे आप नई बनवा रही थी। हाँ, ऐसे बनेगी, बाहर ही रहना चाहिए। अरे वाह, क्या खीरे। धन्यवाद। अच्छा है, नहीं यहाँ का तो टेस्ट ही अच्छा है, यहाँ का तो पहाड़ी खीरों का तो। चलो ठीक है आंटी, है ना। तो पहुंच गए थे अपने कैंपर वैन की तरफ। अब अंदर गैस जल रही है, अंदर गैस जल रही है, कुछ ना कुछ तो पक रहा होगा। की पक रही है दादी, की पक रही है? दूध चढ़ा रखे है। तो जी रात हो चुकी है और हमारी पैंट्री में आज बन रहे हैं नूडल्स। ये देखिए, ये आटा नूडल्स हैं जो हमने लिए थे, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। ये आटा नूडल्स हैं जो हमने लिए थे नाको से, और उसको हम आज बनाने, बहुत दिनों बाद बना रहे हैं। शेष आज पूरे दिन में बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, इसलिए बहुत अधिक हमने आपसे शेयर किया नहीं। कल यहाँ से उठकर हम आगे बढ़ने वाले हैं, आगे निकलने वाले हैं। तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये हमें भी अभी तक बिल्कुल नहीं मालूम है। जहां भी जाएंगे अभी तक कोई लोकेटेड प्लेस नहीं है कि वहां हमें जाना है। बस यहाँ से सहज ही बढ़ना शुरू करेंगे, जो भी कैंपिंग ग्राउंड मिलेगा वहां पर जाकर रुक जाएंगे। तो चलिए फिर आज का दिन करते हैं पूर्ण। कल सुबह के साथ वापस इसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, कल सुबह फिर मिलते हैं। तो जी एकदम बढ़िया मॉर्निंग वार्म अप के साथ आज की हमारी सुबह इसी स्थान पे हुई है। आज यहाँ से बढ़ना है हमें आगे। अब कहाँ बढ़ना है ये हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि जैसा कि मैंने इसी व्लॉग में पहले बताया कि कोई लोकेटेड जगह हमारे पास है नहीं। सो चलिए बस एक बार समेटना शुरू करते हैं इसके बाद सामान को, और उसके बाद यहाँ से बढ़ते हैं आगे। आज वेट लॉस चैलेंज का है day 3। तो अंदर जाएंगे गाड़ी पे एक बार और आपको बताएंगे कि आज हमारा कितना। ये देखिए पसीना तो क्या है, मस्त निकल जाता है, पर मुझे लगता है डाइट पे कंट्रोल भी शायद एक बहुत बड़ा विषय है जो मेरे लिए करना तो काफी कठिन हो जाता है। सो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा वजन में कोई कमी आई होगी। एनीवेज उधर पुच्चू को दिखाइए, वो आ रही है, और ये ना कम से कम 5 मिनट में जाके आई है। ये देखो, तो जी ये जो अवनी मैडम हैं, ये गई थी कल और आज वापस आई हैं वॉक करके। क्यों मैडम इतनी देर कैसे, इतनी देर कैसे? बहुत आगे चली गई। बहुत आगे नहीं गई थी, पैदल चल रही थी। नहीं। वो यहाँ से एक अंकल गए, उन्होंने बताया। नहीं। हाँ? मैं डैम के पास गई। डैम के पास, उसके बाद थोड़ा सा पैदल आई। हाँ। उसके बाद भागी मैं। भागी, पीछे कोई दिखा तब भागी? नहीं। वैसे तो तुम भागती नहीं? नहीं भागती। तो कल है जी हमारी पुचड़ू का जन्मदिन। तो चलिए अंदर चलते हैं, वेट लॉस चैलेंज day 3 में आपको बताते हैं हमारा वेट क्या हुआ है। और ये अवनी मैडम का वेट आया है 36.5। फिर बढ़ गया अवनी। हटो, अरे हटो, हटो हटो। अब कैसे बढ़ गया, खाया होगा कल खूब ठुस ठुस के? चाउमीन खाई थी ना। तो जी स्टेप इन कर रहे हैं। टन 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 114.8 बड़ा स्थिर है। हो अब तो देख लेते हैं, 114.8 स्थिर है। चलिए मैडम की बारी, मैडम की बारी। मेरा कम नहीं होगा।
मैडम की बारी 69 एक किलो कम हुआ तीन दिन में बधाई हो 69 हो गया 69.9 था तुम्हारा तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा नहीं ये मशीन कुछ करेगी नहीं क्या अच्छा कुछ करेगी नहीं अरे तुम्हारे साथ हमारे सबके सही बताती है नहीं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करती देखना क्योंकि मैंने अभी देखा है मैंने नहीं तुम्हारे लिए तो सब मशीनें गलत है चढ़ जाओ अब चली नहीं रही है 69 इस पे अब तुम्हारी ना तुम्हारे साथ ही मम्मा के साथ क्या होता है जैसे कि किसी आईने में ना थोड़ा सा कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क लग रहा हो तो क्या बोलेंगी महिलाएं ये ना लगता है शीशा जो है ना थोड़ा सा ये ना ब्लैकिश शो करता है ना अपनी असलियत जो जीवन की है ना उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए प्रवचन मत दो बस प्रवचन नहीं अपनी जीवन की असलियत को ना एक्सेप्ट कर ले असलियत, पांच असलियत, हम में अच्छा एक चीज एक प्रैक्टिकल चीज हम में से कोई चढ़ा इस पे पांच बार क्योंकि कल ये 68 बता रहा था आज 68 बता रहा था हां बताया नहीं दोबारा जब चढ़ी नहीं बताया था दोबारा चढ़ी नहीं था 9 कुछ बताया था और 69 ही है तुम्हारा यही असलियत है तो जी इस प्रकार चोंक झोंक यानी कि नोक झोंक के साथ शुरू हुआ हमारा आज का दिन बाकी तो आज वाइंड अप करना है और वाइंड अप करके यहाँ से किसी न किसी अन्य स्थान के लिए बढ़ना है तो कहाँ बढ़े कहाँ गए ये आपसे साझा करेंगे अगले व्लॉग में तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल स्वस्थ रहिएगा खुश रहिएगा अगले व्लॉग में शीघ्र आपसे मुलाकात होगी नमस्कार